हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम। तो आज हम करने वाले क्लासिफिकेशन, ये जो टॉपिक है मैं ऑलरेडी तुम्हारे अन अकेडमी पे करा चुकी हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा यूट्यूब पे नहीं हुआ था, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। तो जिसके बाद क्या होगा, आपका अगर CSI UGC नेट में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं अभी क्लासिफिकेशन तुम्हें प्रॉपरली करा रही हूँ, और इसके जो नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा वर्जन आएगा उसमें इसके क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चंस करा दूंगी स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज जो सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। सो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं और एक अनअकैडमी में फ्री क्लासेस होती हैं। जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं ये तुम्हारी एक 10:30 होती है सुबह, ठीक है, एक 10:30 सुबह होती है, और एक तुम्हारी जो क्लास होती है तुम्हारी 4 बजे होती है, जो तुम्हारी रेगुलर क्लासेस में आती है, तो उसको ध्यान में रखना है। साथ के साथ आपको कुमकुम गौतम को फॉलो कर लेना है, तो जब भी मेरी क्लास होगी अनअकैडमी पे, ठीक है, ये जो होती है तुम्हारी स्पेशल क्लास होती है और ये फ्री वाली क्लासेस होती हैं, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हारी प्लस क्लासेस भी कराई जाती हैं, तो ये जो अनअकैडमी ऐप है आपको प्ले स्टोर पर जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे प्लस क्लासेस भी जनरेट कराई जाती हैं जहाँ पे आपको पेमेंट देनी होती है, ठीक है, ये वाली जो होती है तुम्हारी पेड वाली क्लासेस होती हैं। इसके साथ साथ आपको प्रॉपरली यहाँ पे आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, आपके यहाँ पे नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेस कराए जाते हैं जहाँ के आपका प्रॉपरली वहाँ पे रिवीजन हो सके, प्रॉपरली आपको समझ आ सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब आपको इसके थ्रू कराया जाता है। साथ के साथ यहाँ पे जो आपका प्रॉपरली आप जितनी चाहे यहाँ पे बहुत सारी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराए जाते हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं CSI UGC नेट लाइफ साइंसेज के, वो बहुत सारी लाइव क्लासेस लेते रहते हैं, तो आप किसी की भी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, मतलब आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है किसी भी क्लासेस को लेने का, तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अगर मैं अपने कोर्स की बात करती हूँ तो मेरा क्रैश कोर्स वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो CSI UGC नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे अनअकैडमी प्लस पे आना पड़ेगा, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो गेट ESE यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा CSIR UGC नेट, क्योंकि आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको चूज़ करना है प्लान कि आप 1 मंथ का लेना चाहते हैं कि आप 3 मंथ्स का लेना चाहते हैं, 6, 12, 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे अभी नवंबर वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ का ले सकते हैं, और उससे उनका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन के साथ साथ आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ से कवर करा दूंगी, तो आपको पूरे अच्छे से यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर बच्चा कोई भी CSI UGC नेट आगे वाले के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो 6 मंथ्स का प्लान ले सकता है या फिर 12 मंथ्स वाला ले सकता है, लेकिन अगर तुम अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाओगे तो इसलिए 12 मंथ्स वाला आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है, तो आपको टाइम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है 1 साल का। जो भी बच्चे अभी मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फिर सेकेंड सेमेस्टर में, वो 24 मंथ्स का भी ले सकते हैं, इससे आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स के साथ साथ नेट JRF की प्रिपरेशन भी प्रॉपरली आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने जैसे 12 मंथ्स का आपने चूज कर लिया, ठीक है, आप यहाँ पे एक रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इस रेफरल कोड का क्या फ़ायदा होता है, जैसे Kumkum10 आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये रेफरल कोड है मेरा, आपने Kumkum10 यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देन करना है प्रोसीड टू पे। जैसे आपने ये अप्लाई करा वैसे ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है, ठीक है, तो जैसे आप Kumkum10 अप्लाई करोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आप जो फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो पेमेंट आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको इतना अमाउंट एक साथ नहीं देना है, ठीक है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी अगर कोई भी इशू है, तो आप EMI के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको इतने ही पैसे पे करने होंगे, लेकिन वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, धीरे धीरे करके पे कर सकते हैं, अबाउट 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है, तो आप ऐसे भी पे कर सकते हैं। आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे भी आपको पेमेंट करनी है आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी ऐप पे जाना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है बाय अप्लाइंग अ Kumkum10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिलेगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो।
चलो अब बात कर लेते हैं तुम्हारे एनिमल क्लासिफिकेशन की। पहले हम ओवरव्यू पढ़ लेते हैं क्योंकि ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आधी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। ये इलेवेंथ लेवल का सारा चीज़ है। जिन बच्चों ने भी जोलॉजी बाद में नहीं पढ़ी है या फिर उनकी कभी भी ये सब चीज़ें अभी नहीं आई हैं तुम्हारे इलेवेंथ और ट्वेल्थ के बाद में, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। और ये पेपर में आता है तो बेटर है तुम एक बार करके जाओगे। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें समझ में आ गया तुम्हें, उसके बेसिस से उससे बाहर नहीं जाएगा वो चीज़ें। तो ध्यान रखें कि ये पढ़ लें आराम से, और इसको एक बार समझोगे, दो बार समझोगे, तीसरी बार अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो मैं बताती हूँ इसको। देखो, जो एनिमल जो सेल होती हैं वो तुम्हारी मल्टी सेलुलर होती हैं, मतलब बहुत सारी सेल मिलके बनाते हैं उसको, एनिमल या ग्रुप को। जब एनिमल किंगडम के बाद में जब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आती हूँ, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आती हूँ, मल्टी सेलुलर तो है लेकिन हो सकता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, जब मैं सेलुलर लेवल की बात करती हूँ मतलब जो सेल हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो सिंगल सेल है वही फंक्शन कर रही है। डिफरेंट डिफरेंट सेल जो हैं आपस में मिलकर फंक्शन कर रही हैं, लेकिन कोई टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी टिश्यू नहीं फॉर्म हो रहा है, खाली जो सेल है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं। ये ध्यान में रखना है सेलुलर लेवल किस में होता है। जो पॉरीफेरा होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सिर्फ पॉरीफेरा में ऐसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन जब मैं टिश्यू की बात करती हूँ, ऑर्गन सिस्टम की बात करती हूँ, ऑर्गन की बात करती हूँ, तो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली इनमें पाया जाएगा, ठीक है, और जो तुम्हारा टिश्यू वाला फॉर्मेशन है वो इनमें पाया जाता है। तो तुम्हें सिर्फ याद रखना है सेलुलर लेवल वाला कि कहाँ पे आता है, तो पॉरीफेरा जो होते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये समझ लो पहले। उसके बाद हो सकता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो इन सब में। उसके बाद जो डिवीजन होता है वो सिमेट्री के बेसिस पे होता है, तो यहाँ तक तो कोई सिमेट्री के बेसिस पे डिवीजन नहीं था, अब जो होता है सिमेट्री के बेसिस पे डिवीजन हो जाता है। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, अगर हमें कोई बीच में से काटेगा, ठीक है, अगर कोई बीच में से काटेगा तो एक पार्ट तो हमारा इधर होगा, एक पार्ट तो हमारा उधर होगा, इक्वली हो जाएगा, एक हाथ इधर, एक हाथ उधर, एक पैर इधर, एक पैर उधर। तो क्या होता है, एक होता है तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्रिकल, मतलब जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को पूरा काटते हैं, एक सिमेट्री से काटते हैं, हो सकता है वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, हो सकता है वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो। अब जो सिमेट्री होती है वो तुम्हारी एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, वो तुम्हारा रेडियल सिमेट्री भी हो सकता है, और वो तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो ये सब के जो तुम्हारा पूरा डिटेल है मैं आगे समझाऊंगी, अभी मैं बस इतना समझा देती हूँ कि जो पॉरीफेरेंस हैं, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो मतलब इन्हें एसिमेट्रिकल बोला जाएगा, क्योंकि कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं पाई जा रही है। जहाँ पे रेडियल पाई जाती है उसमें जो आते हैं वो तुम्हारे सीलेंट्रेट्स आते हैं और टीनोफोरा आते हैं, और जहाँ पे बायलेटरल पाई जाती है वहाँ पे तुम्हारा प्लेटीहेलमिंथेस आएंगे, तुम्हारा एस्केलमिंथेस आएंगे, एनिलीड, ऑर्थोपोड्स, मोलस्क, इकारोडोमेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो सब में जो है तुम्हारी प्लेटीहेलमिंथेस के बाद में बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब कुछ एक्सेप्शन है वो हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, अब तुम्हारा बॉडी कैविटी के बेसिस पे डिवीजन होता है। टीनोफोर से तुम्हारा हो गया सिमेट्री के बेसिस पे, उसके बाद होता है बॉडी कैविटी के बेसिस पे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। जब तुम्हारी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है तो तुम्हें उसे बोला जाता है ए सीलोमेट, ठीक है, और जब तुम्हारी प्रेजेंट होती है लेकिन फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होती है, अगर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट होगी उसे सीरो सीलोमेट बोला जाएगा, अगर तुम्हारी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी उन्हें सीलोमेट्स बोला जाएगा। ऐसा जो तुम्हारा फाइलम जिसमें बॉडी कैविटी होती नहीं है वो तुम्हारा प्लेटीहेलमिंथेस है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में तुम्हें आगे समझाऊंगी, लेकिन यहाँ से ये समझ लो कि जो प्लेटीहेलमिंथेस है वो एसीलोमेट है, उनके पास कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है। अगर फॉल्स सीलोम की बात करती हूँ, विच बी कॉल्ड स्यूडो सीलोम, तो तुम्हारे जो एस्केलमिंथेस होते हैं जिन्हें हम निमेटोड्स भी बोलते हैं, इनमें भी तुम्हारी कोई भी बॉडी कैविटी नहीं, मतलब पाई जाती है लेकिन फॉल्स सीलोम पाई जाती है, पैचेस में पाई जाएगी, तो एस्केलमिंथेस जो होंगे तुम्हारे स्यूडो सीलोमेट्स होंगे। ट्रू सीलोम जो होते हैं एनिलीड्स के बाद में जितने भी तुम्हारे आते हैं सारे के सारे तुम्हारे ट्रू सीलोम माने जाते हैं। एक एक्सेप्शन क्या है वो मैं तुम्हें अभी समझा देती हूँ, थोड़ा बहुत समझा देती हूँ, जब मैं इकानोडोमेटा पढ़ाऊंगी तब पूरी अच्छे से समझाऊंगी।
जो इकानोडर्मेटा होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इवॉल्व है, देखो तुम कहाँ पे आ रहा है, देखो कहाँ पे आया है, कितना इवॉल्व है। इसके बाद भी जब हम इसके लार्वा की बात करते हैं, तो इसका जो इकानोडर्मेटा का लार्वा होता है वो तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जैसे नॉर्मली होना चाहिए था। लेकिन जैसे ये लार्वा तुम्हारा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे तुम्हारा लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसकी जो सिमेट्री है वो तुम्हारी रेडियल सिमेट्री हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसकी जो सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार यही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है तुम्हारी और बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होती है। तो अभी हम एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हमें एनिमल को कैरेक्टराइज करना होता है कि वो उसकी सिमेट्री कैसी है, उसका सीलोम कैसा है, वो मूवेबल है कि नहीं है, मोटाइल है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी किस चीज़ में डिवाइडेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम एनिमल का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे। जैसे मैंने तुम्हें बताया, जो बॉडी सिमेट्री होती है वो तुम्हारी एसिमेट्रिकल भी होती है, वो रेडियल सिमेट्रिकल भी होती है और तुम्हारी बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अभी हमें ये समझना पड़ेगा। सो द ट्रू एनिमल्स कैन बी लार्जली डिवाइडेड इंटू द थ्री ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सिमेट्री ऑफ देयर बॉडी प्लान। हो सकता है रेडियल सिमेट्रिकल हो सकता है बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकता है एसिमेट्रिकल हो। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने माना कोई पॉरीफेरेंस था, कोई भी स्पॉन्जेस था ये, अगर मैं इसको कोशिश करूँ कि इसमें बीच में से इसको काटूँ, किसी प्लेन से काटूँ, इस प्लेन से काटूँ, क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, क्या ये इक्वली बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे काटती हूँ तो क्या ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से काटती हूँ तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? नहीं, ये पॉसिबिलिटी इसकी बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी प्लेन से काटते हैं और वो इक्वली बिल्कुल हाफ में कन्वर्ट नहीं होता है, वो इक्वली हाफ तुम्हें नहीं देता है, दैट मीन्स वो जो ऑर्गेनिज्म है वो तुम्हारा एसिमेट्रिकल इन नेचर है एंड इट इज शोइंग द एसिमेट्री, ठीक है। सो एसिमेट्री इज अ यूनिक फीचर ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा। तो मैं बता चुकी हूँ पीछे वाली स्लाइड में, एक बार देख लेते हैं, ये पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि सिमेट्री जो है इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं पॉरीफेरेंस की बात करती हूँ तो मतलब ये क्या है, तुम्हारे एसिमेट्रिकल हैं, तो अगर तुम किसी भी प्लेन से उन्हें काटने की कोशिश करोगे और तुम चाहोगे कि वो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएं, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएं, तो वो डिवाइड नहीं होंगे। इसी चीज़ को बोला जाता है एसिमेट्रिकल। जब हम रेडियल सिमेट्रिकल की बात करते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, जैसे ये है तुम्हारा, अगर मैं इस सर्कल को यहाँ से काटूंगी तब भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, जब मैं इसको यहाँ से काटूंगी तब भी दो हाफ में इक्वल डिवाइड हो जाएगा, जब मैं इस प्लेन से काटूंगी तब भी हो जाएगा, जब मैं इस प्लेन से काटूंगी तब भी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसे तुम कहीं से भी काट लो, कहीं से भी काट लो, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही जाना है, उसे बोला जाता है रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेडियल सिमेट्रिकल इज अ फॉर्म ऑफ सिमेट्री Where in the identical parts are arranged in a circular fashion around the central axis, जहाँ पे तुम्हारे identical part जो होते हैं एक circular axis में arranged होते हैं around the central axis. Animals in the phylum Echinodermata, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ जो Echinodermata होते हैं उनके जो adults होते हैं वो तुम्हारा radially symmetrical होते हैं, लेकिन जो larvae होते हैं इनके वो तुम्हारे bilateral symmetrical होते हैं, तो larvae ज़्यादा develop हैं as compared to the adult one. So they exhibit the bilateral symmetrical and this is termed as a secondary radial symmetry. Very important, ध्यान में रखना है, अगर तुमसे ये भी बोला जाता है क्योंकि तुम्हारा पहला जो लार्वा था, लार्वा के पास तुम्हारा bilateral symmetrical था, लेकिन जब तुम्हारा adult form हुआ तो उसने क्या बना दिया, तुम्हारा radial symmetry बना दी। क्योंकि ये larval stages के बाद में आती है, इसलिए कभी कभी से secondary radial symmetry भी बोला जाता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। This form of symmetry marks the body plan of the animals in the phylum Ctenophores. Very important, अगर मैं Ctenophores की बात करती हूँ, जिन्हें हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं, या फिर निडेरियंस, ठीक है, निडेरियंस और क्या बोलते हैं, निडेरियंस को बोलते हैं सीलेंट्रेट,
सीलन ट्रेट बोला जाता है। तो ये जो निडेरियंस हो गए, जो सीलन ट्रेट हो गए, इनमें क्या होता है, तुम्हारे जैसे कोरल्स हो गए, सी एनिमोन्स हो गए, अदर जेलीज हो गए, ये सारे के सारे जो हैं तुम्हारा रेडियली सिमेट्रिकल जो बिहेवियर है उसको शो करते हैं। तो आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा, सिमेट्रिकल में मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल मतलब क्या है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल पे। जब हम बायलेटरल सिमेट्रिकल की बात करते हैं तो बायलेटरल का मतलब होता है, बायलेटरल मतलब दोनों साइड लेटरल चीज़ है और उसने तुमने काट दिया। जैसे तुम मुझे ले लो या फिर किसी भी ह्यूमंस को ले लो, जब तुम एक प्लेन से काटोगे तो दो चीज़ें हैं मिरर इमेजेस के फॉर्म में, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे यहाँ से पेट से काटने की, मतलब अगर तुम ट्रांसवर्स काटने की कोशिश करोगे, तो पॉसिबिलिटी कम है कि पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल ही नहीं है कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि नीचे तुम्हारे पैर आ जाएंगे, ऊपर तुम्हारा बोगी वाला पार्ट आ जाएगा। तो बायलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब तुम एक प्लेन से, जैसे माना ये मेरा ऑर्गेनिज्म था, जैसे ये था मेरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब क्या होता है, अगर तुम इसको नहीं मतलब कोई तुम और कोई ऑर्गेनिज्म बना लो, जैसे ठीक है ऐसे मैंने बना दिया, तो क्या हुआ कि इक्वली एक पार्ट में, जब मैं इसको लॉन्गिट्यूडनली काटती हूँ, एक प्लेन से काटती हूँ, तो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने यहाँ से काट दिया, या फिर इसको बीच में से काटने की, कोई मोटा था, ठीक है ये मोटा था थोड़ा सा, तो तुम यही समझो कि जब हम एक प्लेन से किसी इंसान को काट सकते हैं या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को हम काट सकते हैं और वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, उसे बोला जाता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। मतलब सिर्फ एक प्लेन से, वन प्लेन से जब काट पाएंगे, लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से काट पाते हैं, उसे बोला जाता है रेडियल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री इन्वॉल्व्स अ डिवीजन ऑफ द एनिमल थ्रू द सेगाइटल प्लेन, रिजल्टिंग इन टू मिरर इमेजेस एंड राइट एंड लेफ्ट हाफ सच। देयर इज अ बटरफ्लाई हो गया तुम्हारा, देखो जैसे बटरफ्लाई को बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो अगर तुम इसको यहाँ से काटोगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये तुम्हारा राइट हो जाएगा, ये तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे काटने की कोशिश करोगे तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगी, नहीं, ये तो हेड रीजन चला गया, टेल वाला रीजन चला गया। तो जब तुम एक प्लेन से काट पाते हो और दोनों मिरर इमेजेस बन जाते हैं, उसे बोला जाता है बायलेटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये भी यही शो करती है। अब आते हैं एनिमल कैरेक्टराइजेशन बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, नाउ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते आते हैं याद रखना है। हम बात करने वाले हैं जर्म लेयर्स की। तुम्हें पता है कि जब जायगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जब तुम्हारा ब्लास्टुला फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद तुम्हारा गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होती है, और आर्केंटरोन क्या करती है, वो प्रोड्यूस हो जाती है, और जो तुम्हारी जो सेल्स होती हैं वो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट जर्म लेयर्स बना देती हैं। जो जर्म लेयर्स होती हैं वो तुम्हारी एंडोडर्म हो सकती है, एक्टोडर्म हो सकती है, और मीजोडर्म हो सकती है। जब ये तीनों की तीनों प्रेजेंट होती हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है ट्रिप्लो ब्लास्टिक। क्या बोला जाता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक बोला जाता है। ट्रिप्लो का मतलब ही हो गया जब तुम्हारी तीनों लेयर प्रेजेंट हैं, चाहे वो एंडोडर्म हो, चाहे वो एक्टोडर्म हो, चाहे वो मीजोडर्म हो, जब तीनों लेयर साथ में प्रेजेंट होती हैं, देन वी कॉल्ड ट्रिप्लो ब्लास्टिक। अगर इसमें से अगर मीजोडर्म तुम्हारी गायब हो गई, मीजोडर्म तुम्हारी गायब हो गई और सिर्फ एक्टोडर्म प्रेजेंट है और सिर्फ एंडोडर्म प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। तो ध्यान में रखना है ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। सो देखो यहाँ से मैं ये चीज़ भी कवर करा देती हूँ कि एंडोडर्म से क्या फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोडर्म से क्या फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा जाता है। एंडोडर्म जो होती है, बेसिकली जितने भी तुम्हारे विसरल ऑर्गन्स हैं उसको गिव राइज करती है, उसको देती है वो, इट गिव राइज टू द स्टमक, क्योंकि एक विसरल ऑर्गन है, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास एंड द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज द लाइनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स टू द ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो ये सब जो चीज़ें हैं तुम्हारी एंडोडर्म से फॉर्मेशन होती है। तो ये तुम्हारी पहली वाली लेयर है जो ल्यूमन के पास में होती है, और ये जो एंडोडर्म है वो तुम्हारे विसरल ऑर्गन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होती है।
जब हम एक्रोडर्म की बात करते हैं तो तुम्हारे सबसे इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जितना भी है तुम्हारा एक्रोडर्म से फॉर्मेशन होती है, तुम्हारा आई वाला रीजन हो गया। सो डेवलप इनटू द आउटर एपिथेलियल कवरिंग ऑफ द बॉडी सरफेस एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस लेयर से बनता है, किस जर्म लेयर से बनता है। तो याद रखना है वो जो बनता है वो तुम्हारा एक्रोडर्म से बनता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं मीजोडर्म। क्या होता है मीजोडर्म? जो होती है तुम्हारी थर्ड लेयर होती है और ये रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत इंपॉर्टेंट काम करने में। जैसे ये मैंने माना ये मेरी कोई कैविटी है, अगर किस कैविटी को गट कैविटी मैंने माना, गट कैविटी है ये, ठीक है। अब क्या होता है अगर इसको तुम्हारी मीजोडर्म लाइन कर देती है, मीजोडर्म इसको प्रॉपरली लाइन कर देती है, उस कंडीशन को बोला जाता है सीलोम, सीलोम बोला जाता है। लेकिन जब ये मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है तो हम किसी भी कैविटी को सीलोम नहीं बोल सकते हैं। ओके, सो द मीजोडर्म द थर्ड जर्म लेयर फॉर्मिंग बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म, दोनों के बीच में बनती है इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक, गिव राइज टू ऑल द मसल टिश्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोडर्म से हो गया एम से मीजोडर्म, एम से तुम्हारे मसल टिश्यूज, जैसे मसल टिश्यूज तुम्हारे कार्डियक टिश्यूज हो गए, मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे जितने भी मसल टिश्यूज हैं तुम्हारे मीजोडर्म से अराइज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज हो गए तुम्हारे, स्केलेटन एंड ब्लड सेल्स हो गए एंड मोस्ट अदर विसरल ऑर्गन, जिसे किडनी कभी कभी तुम्हारा सॉरी किडनी जो है तुम्हारा मीजोडर्म से अराइज होता है, और जो स्प्लीन हो गया ये भी तुम्हारा मीजोडर्म से अराइज होता है। तो याद रखना है एंडोडर्म से कौन बन रहा है, एक्टोडर्म से कौन बन रहा है, और मीजोडर्म से कौन बन रहा है। तो अगर दो लेयर प्रेजेंट है, मतलब अगर तुम्हारी एक्टो प्रेजेंट है और तुम्हारी एंडो अगर प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक, विच कंटेन आर टू जर्म लेयर्स, एग्जाम्पल लाइक पोरीफेरेंस एंड द निडेरियंस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम्हारे निडेरियंस को और क्या बोलते हैं, तुम्हारे निडेरियंस को बोलते हैं सीलेंट रेटा, ठीक है। तो ये जो होते हैं तुम्हारे दो लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जब हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं, मतलब तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, चाहे एंडोडर्म हो, चाहे मीजोडर्म हो, या फिर एक्टोडर्म हो, जब तीनों लेयर प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम फर्दर कैटेगराइज्ड करते हैं कि उसको ए सीलोमेट बोला जाएगा, या फिर तुम्हारा स्यूडो सीलोमेट बोला जाएगा, या फिर यू सीलोमेट बोले जाने वाला है। यू सीलोमेट का मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू सीलोमेट। वेरी गुड, सो ट्रू सीलोम याद रखना है, ट्रू सीलोम तुम्हारा यहाँ पे होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं सीलोम। यहाँ से क्वेश्चन बेटा काफ़ी बार बनते हैं और बहुत बार बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कि एक ऐसा टॉपिक है जो पता है, आता है और हमेशा रिपीट भी होता है वाला टॉपिक, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब हम सीलोम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी तुम्हारी बॉडी वॉल, ये तुम्हारी जैसे माना ये मेरी गट कैविटी थी, ठीक है, गट कैविटी थी, जब ये मीजोडर्म से लाइन होती है देन वी कॉल इट सीलोम, ये मैं बता चुकी हूँ। सो द प्रिंसिपल बॉडी कैविटी इन मोस्ट एनिमल्स लोकेटेड बिटवीन द इंटेस्टाइनल कैनाल एंड द बॉडी वॉल, और उसे बोला जाता है गट कैविटी, ठीक है। ए सीलोमेट कौन से होते हैं? ए सीलोमेट एक ऐसे तुम्हारे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे कोई भी सीलोम तुम्हारी प्रेजेंट नहीं होती है, जब कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है उसे बोला जाता है ए सीलोमेट। अब इनका एग्जाम्पल कौन है? इनका एग्जाम्पल है फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स को और क्या बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स को बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। देखो फ्लैट वॉर्म्स क्या होते हैं, एक जैसे ये मैंने माना ये मेरा फ्लैट, ये तुम्हारा फ्लैट वॉर्म है, बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी तुम्हारे कोई भी स्पेस दिख रहा है तुम्हें बॉडी कैविटी के लिए? नहीं। तो वैसे ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, कोई भी बॉडी कैविटी के लिए स्पेस ही प्रेजेंट नहीं होता है। अगर बॉडी कैविटी नहीं होगी तो सीलोम होगी क्या इनके पास? नहीं हो सकती है। तो याद रखना है जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक के नेचर के तो होते हैं, मतलब उसमें एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, उसमें एंडोडर्म भी प्रेजेंट है, उसमें मीजोडर्म भी प्रेजेंट है, लेकिन उसमें सीलोम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है। तो फ्लैटवॉर्म्स याद रखना है, या फिर इनको बोलते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। सेकंड आता है सीलोमेट।
सीलोमेट मतलब होता है कि ऐसी कैविटी, एक फ्लूड फिल्ड कैविटी तुम्हारे पास प्रेजेंट है, और वो जो कैविटी है विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। सो एनी एनिमल पजेसिंग एन फ्लूड फिल्ड कैविटी विद इन विच द डाइजेस्टिव सिस्टम इज सस्पेंडेड एंड बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, उसे बोला जाता है सीलोमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस सीलोमेट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है साइजोसीलोमेट, एक होता है एंटरोसीलोमेट। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट चीज एक देख लो। एक होता है यहाँ पे सूडोसीलोमेट, ठीक है। सूडोसीलोमेट का मतलब होता है, जिसे बोला जाता है फॉल्स सीलोम। फॉल्स सीलोम बोला जाता है क्योंकि उसमें सीलोम कैविटी तो प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रॉपरली वो लाइंड नहीं होती है मेसोडर्म से, प्रॉपरली लाइंड नहीं होती है, इसीलिए बोला जाता है कि दिखावे का है बस सीलोम, वैसे उसका कुछ काबू नहीं हो रहा है, तो इसे बोला जाता है फॉल्स सीलोम। और ये जिसमें पाई जाती है उसे बोला जाता है निमेटोड्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निमेटोड्स को और क्या बोलते हैं, निमेटोड्स को बोलते हैं एस्केलमिंथेस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको एस्केलमिंथेस बोला जाता है, और ये जो निमेटोड्स होते हैं इनमें फॉल्स सीलोम पाई जाती है, विच इज वेरी वेरी क्लियर, मतलब होना चाहिए तुम लोगों को ये क्लियर कि क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता आता है। सो फॉल्स सीलोम होती है विच बेसिकली सीम्स टू बी अ सीलोम, लेकिन वो सीलोम नहीं होती है क्योंकि क्योंकि उसका जो मेसोडर्म की जो लाइनिंग है प्रॉपरली उस पर नहीं होती है। एक बार दिखा देती हूँ तुम्हें स्ट्रक्चर, देखो ये तुम्हारे ए सीलोमेट हो गए। अब ये तुम्हारा बॉडी वॉल हो गया, ये वाला बॉडी वॉल हो गया है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्टोडर्म हो गया है, ये पिंक वाला एक्टोडर्म हो गया, ये जो ब्लू वाला है ये तुम्हारा मेसोडर्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो थे, मतलब तीनों लेयर प्रेजेंट थी इनके पास, चाहे वो एक्टो हो, चाहे वो एंडो हो, या फिर मीजो हो, तो तीनों की तीनों लेयर तो प्रेजेंट थी, लेकिन इसके हिसाब से मतलब इसमें जो बॉडी कैविटी है ये वाली यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। ये तुम्हारी एंडोडर्म हो गई, लेकिन कोई भी बॉडी कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है मतलब ये हो गए तुम्हारे एसीलोमेट, एसीलोमेट हो गए। और एसीलोमेट का जो एग्जांपल है वो है तुम्हारे फ्लैट वर्म्स, या फिर जिसे बोला जाता है फ्लैटी हेलमिंथेस। सेकेंड, जब स्यूडोसीलोमेट पे आते हो तो यहाँ पे तुम्हारी वैसे तो कोई बॉडी कैविटी नहीं है, तुम्हारा ये जो एंडोडर्म है उसके बाद में बॉडी कैविटी थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन मेसोडर्म के सिर्फ ये पैचेज हैं, तो मतलब लाइंड तो किया ही नहीं उसने, मेसोडर्म ने किसी को लाइंड तो किया ही नहीं, इसीलिए इसे दिखावे का सीलोम बोलते हैं, इसीलिए इसे फॉल्स सीलोम बोला जाता है। और इसमें किस में पाई जाती है, ये तुम्हारी पाई जाती है निमेटोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसे बोला जाता है एस्केलमिंथेस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी ये पाई जाती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं सीलोमेट पे आती हूँ, सीलोमेट में क्या होता है, तुम्हारा जो बॉडी कैविटी होती है वो तो ये तो तुम्हारी प्रेजेंट है, ये भी तुम्हारी बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है, और ये देखो तो तुम्हारी प्रॉपरली मेसोडर्म से लाइनिंग है, प्रॉपरली तुम्हारी मेसोडर्म ने पूरी की पूरी लाइन की गई है, देखो कितने अच्छे से इसने इसको लाइन किया है। तो ये जो लाइनिंग है ये तुम्हारा क्या शो करता है कि तुम्हारा मेसोडर्म ने लाइन किया हुआ है उस बॉडी कैविटी को, इसलिए इसे बोला जाता है सीलोमेट। अब ये जो सीलोमेट्स होते हैं ये भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है साइजोसीलोमेट्स और एक होता है एंटरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट का मतलब क्या होता है, साइजो मतलब होता है जब कोई भी चीज़ तुम्हारी स्प्लिटिंग फॉर्म में प्रेजेंट हो, कोई पूरी लगातार प्रेजेंट ना हो, स्प्लिटिंग फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे साइजोसीलोम बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच द प्रोटोस्टोम एनिमल्स एम्ब्रियो डेवलप, याद रखना है जब हम प्रोटोस्टोम्स की बात करते हैं, अभी समझाऊंगी प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं। जब हम प्रोटोस्टोम्स की बात करते हैं, क्योंकि तुम्हारा माउथ पहले डेवलप होता है, इट अकर्स व्हेन द सीलोम और द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग द मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, मतलब जब तुम्हारी बॉडी कैविटी जो स्प्लिटिंग मेसोडर्मल टिश्यूज हैं जब उसको सराउंड करते हैं, उसको फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो मतलब स्प्लिटिंग फॉर्म में प्रेजेंट थे, प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं थे, स्प्लिटिंग फॉर्म में मेसोडर्म तुम्हारी प्रेजेंट थी, तो इसकी वजह से इसे साइजोसीलोम बोला जाता है। और जितने भी तुम्हारे प्रोटोस्टोम्स होते हैं वो सारे के सारे साइजोसीलोमेट होते हैं। एंटेरोसीलोमेट मतलब क्या होता है, जहाँ से तुम्हारा ड्यूटरोस्टोम एनिमल स्टार्ट होते हैं, और जो सीलोम है वो फॉर्म्स फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जो भी तुम्हारी जो सीलोम है वो तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पिंच ऑफ होके बनती है, और मेसोडर्म उसको पूरा लाइन करती है, उसे बोला जाता है एंटेरोसीलोम। जबकि साइजोसीलोम कब बन रही थी, जब तुम्हारा मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो रही थी उससे फॉर्मेशन हो रही थी, और एंटेरोसीलोम जो है तुम्हारे पाउचेस से बनती है, जो तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पाउचेस होते हैं वहाँ से पिंच
सिलेक्शन ड्रॉप हो जाएगा और तुम्हारा इंटरव्यू सीलू बन जाएगा। तो याद रखना है, जब मैं साइजों की बात करूंगी तो ये तुम्हारा जितने भी प्रोटोस्टोम्स होते हैं उसमें मिलेगा, और जो तुम्हारे ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं उसमें जो मिलता है तुम्हारा एंटेरोसीलोमेट बनता है, और जो तुम्हारा ट्रू सीलोम माना जाता है, ये वाला जो है तुम्हारा ट्रू सीलोम माना जाता है, ये एंटेरोसीलोम वाला, क्योंकि ये तुम्हारी गट कैविटी या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से निकल रहा है, इसलिए इसे एंटेरोसीलोम बोलते हैं और इसे ट्रू सीलोम माना जाता है। अब बात करते हैं सीलोमेट्स। देखो, हैव अ बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलोम विद अ कंप्लीट लाइनिंग कॉल्ड पेरिटोनियम व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। द कंप्लीट मेसोडर्म लाइनिंग अलाउ द ऑर्गन्स टू बी अटैच्ड टू ईच अदर सो दैट दे कैन बी सस्पेंडेड इन द पर्टिकुलर ऑर्डर एंड व्हाइल स्टिल बीइंग एबल टू मूव फ्रीली विद इन द कैविटी। मोस्ट बायलेटरल एनिमल्स इंक्लूडिंग ऑल द वर्टिब्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे वर्टिब्रेट इसमें इन्वॉल्व होंगे, आर द सीलोमेट्स। सूडो सीलोमेट्स एनिमल्स हैव अ सूडो सीलोम, फॉल्स सीलोम विच इज अ फ्लूड फिल्ड बॉडी कैविटी, टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्मल पार्टी लाइन्स द फ्लूड फिल्ड कैविटी ऑफ दीज एनिमल्स, thus allowing all those organs are held in place loosely, they are not as well as organized as in coelomates. All the pseudo coelomates are protostomes, जितने भी सारे के सारे protostomes होने वाले हैं, लेकिन सारे के सारे जो protostomes होते हैं वो pseudo coelomates नहीं होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो pseudo coelomate का जो एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन है, तुम्हारा राउंड वॉर्म है। राउंड वॉर्म को क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म को बोला जाता है nematodes, या फिर इन्हें बोलते हैं एस्केलमिंथेस। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। साइजोसीलोम बता चुकी हूँ, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे प्रोटोस्टोम्स वाले हैं वो तुम्हारे साइजोसीलोमेट्स होंगे, जैसे एनिलीड्स हो गया, ऑर्थोपोड्स हो गए, मोलस्क हो गए, जहाँ पे तुम्हारे स्प्लिट मेसोडर्म जो होती है डेवलप होती है। एंटेरोसीलोम जो होती है एक ऐसी सीलोम जो डेवलप हो रही है तुम्हारी एम्ब्रियोनिक गट से, फ्रॉम द इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, तो ये जो एग्जाम्पल होता है वो एंटेरोसीलोमेट्स के होते हैं, और ये वाले जो एग्जाम्पल है तुम्हारे साइजोसीलोम के हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटोस्टोम्स की और ड्यूटेरोस्टोम्स की। देखो, प्रोटो का मतलब होता है, प्रोटो मतलब होता है जो तुम्हारा पहले फॉर्मेशन हुआ हो, किसका, माउथ का। ठीक है, तो जब कोई भी तुम्हारा फॉर्मेशन होता है, जो तुम्हारी कैविटी फॉर्मेशन होती है, अगर वो पहले माउथ की फॉर्मेशन होती है, अगर माउथ फॉर्म होता है इसे बोला जाता है माउथ फर्स्ट। तो प्रोटोस्टोम मतलब एनी एनिमल इन विच द माउथ इज डिराइव्ड फर्स्ट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर, मतलब ये माना तुम्हारी ब्लास्टोपोर था। ठीक है, अब अगर इसने पहले माउथ फॉर्मेशन करा इस ब्लास्टोपोर से, तो इसको बोला जाएगा प्रोटोस्टोम। और जितने भी प्रोटोस्टोम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, साइजोसीलोम होते हैं। साइजोसीलोम जो होती है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो प्रोटोस्टोम का मतलब होता है जिनके अंदर माउथ जो होता है पहली फॉर्म हो जाता है एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोपोर से। ड्यूटेरोस्टोम क्या होते हैं, एक ऐसे एनिमल in which the initial pore formed during the gestation or we called embryonic blastopore becomes the anus and the second pore becomes the mouth। मतलब इसमें जो पहले अगर एनस बनेगा तो तुम्हारा ड्यूटेरोस्टोम होगा, अगर पहले तुम्हारा माउथ फॉर्म होगा तो तुम्हारा प्रोटोस्टोम होगा। जैसे ये माना ये मेरे प्रोटोस्टोम का एग्जांपल है, ये तुम्हारा ड्यूटेरोस्टोम का एग्जांपल है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे तुम्हारा ब्लास्टोपोर का पोर था। ठीक है, अब अगर पहले ये माउथ बना लेगा, अगर पहले ये माउथ बना लेगा तो इसको बोला जाएगा प्रोटोस्टोम। जब अगर क्या होगा, अगर ये तुम्हारा जो ब्लास्टोपोर है अगर एनस पहले बनाएगा और बाद में तुम्हारा माउथ फॉर्म करेगा, तब तुम्हारा क्या होगा, उसे बोला जाएगा ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम जो होता है तुम्हारा इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट होता है टिल तुम्हारा जितने भी वर्टिब्रेट्स आते हैं तब तक तुम्हारा एंटेरोस जो ड्यूटेरोस्टोम माना जाता है। तो ध्यान में रखना है प्रोटोस्टोम क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं। अब बात करने वाले हैं हम पोरीफेरेंस की, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आएंगे, और जो कि चीज़ें करा रही हूँ सिर्फ उतना इनफ है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिटेल में तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, तो जितना मैं इसमें समझा रही हूँ वो तुम्हारे लिए इनफ होगा। देखो, दे आर जनरली मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद अ फ्यू फ्रेश वाटर स्पीशीज।
अगर तुमसे क्वेश्चन बोला जाता है कि पॉरीफेरेंस आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द मरीन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, तो दिस विल बी योर रॉन्ग ऑप्शन. क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे पॉरीफेरेंस होते हैं दे आर फाउंड इन मरीन एक्वेटिक कंडीशन अलोंग विद सम ऑफ द फ्यू स्पीशीज ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर कंडीशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, पॉरीफेरेंस कैन बी फाउंड इन द मरीन एक्वेटिक मरीन एक्वेटिक एनवायरमेंट और दे कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर एनवायरमेंट. नाउ देयर बॉडीज आर एसिमेट्रिकली मेजर. मतलब क्या हुआ, तो इनकी जो बॉडी होती है सिमेट्रिकल नहीं होती है. ये तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ऐसी कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती है कि अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगी तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. नहीं, तो बॉडीज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. कोई भी सिमेट्री यहाँ पे शो नहीं होती है. बॉडी शेप कैन बी सिलेंड्रिकल, वास लाइक एंड राउंडेड और सेक लाइक. क्योंकि बॉडी का जो साइज है वेरी करता है बेटा, बहुत वेरी करता है, इसकी वजह से इसे एसिमेट्रिकल बोला जाता है. तुम कभी कभी तुम्हारे सिलेंड्रिकल मिल जाएंगे, कभी तुम्हें वास लाइक मिल जाएंगे, कभी तुम्हें राउंडेड मिल जाएंगे, कभी तुम्हें सेक लाइक मिल जाएंगे. तो कोई पर्टिकुलर बॉडी शेप नहीं होती है, तो इसलिए इसे एसिमेट्रिकल भी बोला जाता है. दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. मतलब इसके पास एक्टोडर्म प्रेजेंट है और इसके पास एंडोडर्म प्रेजेंट है. दे डू नॉट हैव अ मेसोडर्म लेयर. ठीक है, तो इसके पास कोई भी मेसोडर्म लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. जो आउटर डर्मल लेयर होती है, या फिर देखो, दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल विद टू लेयर्स, आउटर डर्मल लेयर एंड द इनर गैस्ट्रल लेयर. देर इज अ जेलेटिनस नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इन बिटवीन टू In between these two layers, this contain many free amoeboid cell. देखो, ये तुम्हारा outer layer हो गया, ये तुम्हारा inner layer हो गया. ये मैंने माना, ये तुम्हारा ectoderm हो गया, जिसे हम यहाँ पे gastral layer भी बोल रहे हैं. ठीक है, नहीं sorry, dermal layer भी बोल रहे हैं. और ये तुम्हारा inner layer हो गया, जिसे हम gastral layer भी बोल रहे हैं. इसके बीच में क्या होता है, तुम्हारे जेलेटिनस टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, मेसोग्लिया बोला जाता है. तुम्हारे यहाँ पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं और उन सेल्स का जो नाम होता है वो होते हैं अमीबॉइड सेल. क्या होते हैं, अमीबॉइड सेल होते हैं, जो तुम्हारे इस बीच के पार्ट में जहाँ पे तुम्हारी मेसोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए थी, वहाँ पे एक मेसोग्लिया प्रेजेंट है, जो नॉन सेलुलर है, जो जेलेटिनस है, वो तुम्हारे इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है. और कुछ अमीबॉइड सेल जो है इसमें पाई जाती हैं. द बॉडी हैज मैनी पोर्स, इसीलिए इन्हें पॉरीफेरेंस बोला जाता है, बिकॉज द बॉडी कंटेन अ नंबर ऑफ पोर्स बाय विच द वॉटर कैन एंटर और कैन बी रिलीज. तो क्या होता है, पॉरीफेरेंस के पास में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं. अब जैसे ये माना मैंने, एक सेकेंड, देखो एक जैसे ये माना मैंने पॉरीफेरेंस था. ठीक है, इसका जो होता है, एक होता है तुम्हारा दूसरा, एक पोर ये हो गया, एक पोर ये हो गया. जहाँ से तुम्हारे वाटर की एंट्री होती है ना, उस पोर को बोला जाता है ऑस्टिया. मतलब जहाँ पे वाटर एंट्री मार रहा है अपना पूरा हीरो की तरह, जहाँ पे एंट्री मार रहा है उसे बोला जाएगा ऑस्टिया. और जहाँ से वाटर तुम्हारा निकल रहा है, जो तुम्हारा जितना भी एक्सक्रीशन करना है या फिर कुछ भी करना है, सारा सामान को लेकर अगर बाहर निकलना है, तो वो निकलता है ऑस्क्यूलम पोर के थ्रू. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं. जहाँ से वाटर एंट्री करता है उसे ऑस्टिया बोलते हैं, और जहाँ से निकलता है उसे ऑस्क्यूलम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. सो बॉडी हैज़ मैनी पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया एंड अ सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूलम एट द टॉप. ऑस्क्यूलम तुम्हारे टॉप पे रहेगी और ऑस्टिया जो होंगे तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होंगे. इसमें जो कैविटी होती है, बेसिकली जो मैंने बताया था, इसमें सीलोम नहीं होता है. तो जो कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है उसको कंफ्यूज नहीं होना है. ये खाली एक कैविटी है, खाली एक कैविटी है, तो कोई भी अगर लाइनिंग नहीं होती है. देखो, सीलोम का मतलब होता है कि ऐसी कोई गट कैविटी जो तुम्हारी प्रेजेंट है, उसको लाइंड किया गया है मेसोडर्म से, उसे हम सीलोम बोलते थे. लेकिन अगर कोई भी कैविटी तुम्हारी ऐसे ही प्रेजेंट है, उसको हम सीलोम नहीं बोल सकते हैं. तो पॉरीफेरेंस में जो कैविटी पाई जाती है, उसे बोला जाता है स्पॉन्जोसील. वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो स्पॉन्जोसील तुम्हारी कैविटी होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इसका नाम. दे हैव कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम फॉर द फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द बॉडी. देखो, इनके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर तुम्हारा
कोई ऑर्गेनिज्म तो है नहीं जिसमें ऑर्गन भी प्रेजेंट होने वाले हैं, जिसमें टिश्यू भी प्रेजेंट होने वाले हैं। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल इसमें फंक्शन कर रही हैं, उन्हें नहीं पता कि टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, वाटर पंप कौन करेगा, हार्ट, जैसे हमारे यहाँ पे हार्ट काम कर रहा है या फिर लंग्स काम कर रहे हैं, इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका सिर्फ जो भी काम है वो बॉडी कैविटी के थ्रू होना है या फिर बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू होना है। तो पानी आएगा तो चीज़ें लेके आएगा, पानी जाएगा तो अपनी चीज़ें लेके जाएगा, ये काम होता है इनका। दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम, इसी इनके पास कैनाल सिस्टम होते हैं जिसकी वजह से एक चीज़ अंदर आ रही है तो वो क्या क्या लेके आ रही है, किसी को बाहर जाना है तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कैनाल सिस्टम तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कैसे जा रहा है, ये सब चीज़ों को मेनटेन करने के लिए यहाँ पे कैनाल सिस्टम इनके पास होते हैं। सेंस ऑर्गन्स आर एबसेंट, कुछ भी इनके पास प्रेजेंट नहीं है, सेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे टोटली तुम्हारे एबसेंट होते हैं। There is an endoskeleton present with calcareous spicules, which we call calcium carbonate, or siliceous spicules, which we call silica, or spongin fiber proteins होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो endoskeleton है, इनका जो formation जो हो रखा है endoskeleton का, वो calcium कार्बोनेट की वजह से हो रखा है, जिन्हें हम basically spicules के नाम से जानते हैं। देखो spicules का मतलब होता है ऐसे, ये स्पिक्यूल्स होते हैं। तो इनकी जो एंडोस्केलेटन है वहाँ पे स्पिक्यूल्स पाए जा सकते हैं, हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट के पाए जाएं, हो सकता है सिलिका के पाए जाएं, और कभी कभी इनके पास स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो एक प्रोटीन होती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी पाए जाते हैं जो एक तुम्हारी प्रोटीन होती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जो सेक्सेस होते हैं इनके कोई भी सेपरेट नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो तुम्हारा सेपरेट सेपरेट खेलेगा, नहीं, ये एक ही में दोनों, तुम्हारा मेल और फीमेल दोनों एक ही में मिलेगा। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सीन थ्रू द बडिंग फ्रेगमेंटेशन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन सर्टेन स्पीशीज थ्रू द गैमेटिक फ्यूजन। Now, property of regeneration is found, which is very important. तो अगर पूछा जाएगा कि they have a regeneration property or not, yes, they have. They contain the regeneration property by which they can regenerate their body parts. देखो ये तुम्हारे होते हैं, तुम्हारा sponges, poriferans, देखो यहाँ पे number of pores present है, number of pores present है इसकी body पे, देखो कि तुम कितने सारे pores present हैं, ये तुम्हारे ये वाले बड़े बड़े वाले pores भी present हैं। तो बहुत सारे इनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको पॉरीफेरेंस बोला जाता है, पॉरीफेरा बोला जाता है, या फिर स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्पॉन्जेस होते हैं वो तुम्हारे ये इसका जो मेन ऑर्गेनिज्म है इसके स्पॉन्जेस हैं। देखो ये क्या प्रॉपरली यहाँ पे, देखो कैनाल सिस्टम प्रॉपरली बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, ये ऑस्कुलम हो गए तुम्हारे, ठीक है, ऑस्कुलम हो गए, यहाँ पे प्रॉपरली कैनाल सिस्टम तुम्हारा दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं कैनाल सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देख लेते हैं इनका क्लासिफिकेशन। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसे दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। अगर मैं बात करती हूँ फाइलम की, तो जो पॉरीफेरा होता है तुम्हारा, ठीक है, ये तीन पार्ट्स में, मतलब इसकी जो क्लासेस होती हैं तीन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। पहली जो क्लास होती है उसे बोला जाता है कालकेरिया, क्या बोला जाता है, कालकेरिया, या फिर बोला जाता है कैल्सी स्पॉन्जिए जो होगा इसकी क्लास होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। सेकेंड जो होती है वो होती है तुम्हारी हेक्सा एक्टिनिलेडा, जिसे हम कभी कभी हाइलो स्पॉन्जिया भी बोलते हैं, हाइलो स्पॉन्जिए, तो ये भी तुम्हारी जो होती है ये तुम्हारी सेकेंड क्लास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो थर्ड वाली क्लास होती है वो होती है तुम्हारी डेमो स्पॉन्जिए, ठीक है। तो ये जो पॉरीफेरेंस की क्लास है, याद रखना है कि इनको किसके बेसिस पे हो रखी है, इनका आउटर वाला स्ट्रक्चर कैसा है, इनका एंडोस्केलेटन कैसा है, उसके बेसिस पे इन क्लासेस को डिवाइड किया जाता है। तो जो पहली क्लास है वो कालकेरिया है, जो सेकंड क्लास है हेक्सा एक्टिनिलिडा है, और जो थर्ड क्लास है तुम्हारी डेमोस्पॉन्जिए है। अब हम पढ़ेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये डेमोस्पॉन्जिए कैसे है, कालकेरिया कैसे है, ये थोड़ा देख लेंगे हम। The presence and the composition of the spicules and the spongins are the differentiating characteristic between the classes of the sponges. तो sponges को जो differentiate किया गया, different different classes में जो बांटा गया, वो किसके basis पे बांटा गया? वो बांटा गया कि तुम्हारे पास जो है spicules present हैं कि नहीं है, तुम्हारे पास स्पॉन्जिन fibers present हैं या नहीं है, इसके basis पे पूरा division इन लोगों का किया गया।
अगर मैं कालकेरिया क्लास की बात करती हूँ, कालकेरिया वाली क्लास की बात करती हूँ, पहले वाली क्लास की बात करती हूँ, तो जैसे मैंने बताया था जो एंडोस्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन है इसका, ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होता है, जो इसके तुम्हारे स्पिक्यूल फॉर्म होते हैं वो तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे कालकेरिया क्लास में डाला गया है। तो याद रखना है कालकेरिया क्लास में इसीलिए डाला गया है क्योंकि जो इसके जो स्पॉन्जिंग फाइबर वो हैं तुम्हारे स्पिक्यूल्स बेसिकली वो तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे फॉर्म होते हैं। हेक्सा एक्टिनिडा और हाइलोस्पॉन्जी में क्या होता है तुम्हारा, सिलिशियस स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिका एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास हेक्सा एक्टिनिडा। तो अगर मैं हेक्सा एक्टिनिडा की बात करती हूँ तो यहाँ पे तुम्हारे सिलिका के जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कभी कभी यहाँ पे स्पॉन्जिन के फाइबर्स भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर स्पॉन्जिन फाइबर्स की मैं बात करूँगी तो ये तुम्हारे जो डेमोस्पॉन्जियाँ हैं यहाँ पे तुम्हारे स्पॉन्जिन के जो फाइबर्स हैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉपरली यहाँ पे स्पॉन्जिन के फाइबर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो याद रखना है जब हम पॉलीफेरेंस की क्लास को डिवाइड करते हैं वो हम डिवाइड करते हैं कि उसका एंडोस्केलेटन कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है कि तुम्हारा सिलिका प्रेजेंट है कि तुम्हारे स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं, इसके बेसिस पे हम इसकी क्लासेस को डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पॉन्जिन फाइबर्स हो गए तुम्हारे, स्पॉन्जिन फाइबर्स आर द इलास्टिक सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ स्क्लेरो प्रोटीन। तो मैंने बताया जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, एक प्रोटीन होता है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ द स्क्लेरो प्रोटीन दैट इज रिच इन द सल्फर एंड इज केमिकली सिमिलर टू द कोलाजन एंड द सेरिसिन। तो याद रहे तो वेल एंड गुड, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लार्वा क्या होंगे। लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम किसी भी बात कर लो, लार्वा के बिना नहीं जाना है। जब हम लार्वे की बात करते हैं तो पॉरीफेरेंस जो होता है उसमें दो लार्वे प्रेजेंट होते हैं। जब पॉरीफेरेंस की बात करते हैं तो दो लार्वे प्रेजेंट होते हैं, तो पहला जो लार्वा होता है उसका नाम होता है एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, ये तुम्हारा पहला लार्वा होता है एम्फीब्लास्टुला, जो तुम्हारा होलो लार्वा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हारा होलो लार्वा होगा उसका नाम होता है एम्फीब्लास्टुला, और इसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जो साइकिन हो गया, ठीक है, जो साइकिन हो गया या फिर स्काइफा जिसे बोलते हैं, जो तुम्हारे स्पॉन्जेस होते हैं, तो साइकिन या फिर स्काइफा जो होगा इसका पार्ट होगा, इसका एग्जाम्पल होगा जब हम होलो लावा की बात करेंगे, जब हम एम्फीब्लास्टुला की बात करेंगे। जब हम सॉलिड लावे की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड लावा जो होता है तुम्हारा पेरन कायमुला, बहुत बार पूछा गया बेटा ये, जो पेरन कायमुला लावा होता है वो तुम्हारा ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा होता है। लार्वा फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब जैसे हमारा ह्यूमंस में है, जो बेबी होता है पहले कोई लार्वा थोड़ा बनता है, डायरेक्टली बेबी बन के आता है तो वो एडल्ट में फिर कन्वर्ट होता रहता है, तो हमारे यहाँ पे तो डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले वो लार्वा बनेगा, ठीक है, लार्वा एक छोटी फॉर्म बनेगा, उस बड़ी फॉर्म की छोटी फॉर्म बनेगा, उसके बाद उसके अंदर मोल्टिंग होगी, मेटामॉर्फोसिस होगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, तब जाके वो एडल्ट फॉर्म करेगा। तो ये जो लार्वा फॉर्मेशन होती है ना, ये शो करती है कि एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ये तुम्हारा मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे छोटे छोटे जितने भी तुम्हारे फाइलम है वहाँ पे पाया जाता है। तो अगर पॉलीफेरेंस की बात करूंगी, अगर एम्फीब्लास्टुला बनता है, जिसे हम होलो लावा भी बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल याद रखना है साइकन होगा या फिर स्काइफा होगा, और जब पेरन कायमुला बनता है तो ल्यूकोसेलेनिया जो होता है इसका एग्जांपल होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब मैं तुम्हें एक बार बता देती हूँ कि कैसे तुम्हारा बेसिक बॉडी प्लान है, ये समझा देती हूँ। देखो इसमें अगर तुम देखोगे बहुत सही, इसमें आउटर वॉल सेल हो गई तुम्हारा, ठीक है, तो पिनेकोसाइट जो होते हैं, अब मैं एक बार तुम्हें सारा चीज समझा रही हूँ। तो मैंने ना ये वाला बॉडी वॉल वाला पार्ट मैंने देखा कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो मैंने तुम्हें बताया ना कि आउटर जो होता था डर्मल होता था, इनर जो गैस्ट्रो लेयर होता था, बीच में तुम्हारा क्या होता था मेसोग्लिया प्रेजेंट होती थी, और मेसोग्लिया में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल तुम्हारी पाई जाती थी। अब हम देखने वाले कौन सी सेल पाई जाती थी। अब ये जो पिनेकोसाइट होता है, इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पॉन्ज मेफेगोसाइटोस
साइटा इज लार्ज फूड पार्टिकल. तो अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कि जो आउटर कवरिंग है उसमें कौन सी तुम्हारी सेल पाई जाती हैं, तो जो पिनेकोसाइट होती हैं तुम्हारी आउटर वॉल जो है तुम्हारी बेसिकली आउटर डर्मल जो लेयर थी तुम्हारी, जो एक्टोडर्म जो लेयर थी वहाँ पे पिनेकोसाइट पाई जाती हैं जो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं. जो भी तुम्हारे लार्ज फूड पार्टिकल्स आते हैं विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ऑस्टिया और सॉरी विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर द स्पॉन्जेस, उनको क्या कर लेती हैं, फेगोसाइटोसिस कर लेती हैं उसका. अब इसमें कुछ पोरोसाइट भी प्रेजेंट होती हैं आउटर वॉल में ही जो तुम्हारा कंट्रोल करती हैं वाटर के फ्लो को थ्रू द ऑस्टिया. अब उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कितना पानी लेना है कितना पानी नहीं लेना है. तो जो पोरोसाइट सेल प्रेजेंट की होती हैं, पोरो मतलब जो पोर को फॉर्मेशन करते होंगे वो पोरोसाइट सेल, ये जो पोरोसाइट सेल होती हैं ये तुम्हारा पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं कि वाटर कितना जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए थ्रू द ऑस्टिया. तो ये पोरोसाइट का तुम्हारा काम होता है. उसके बाद अगर तुम बीच में आओगे मीजोग्लिया वाली कंडीशन पे आओगे तो यहाँ पे अमीबोसाइट प्रेजेंट होती हैं और ये जो अमीबोसाइट होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं. यही तुम्हारा रीजनरेशन में यहाँ पे काम आती हैं, यही तुम्हारे रीजनरेशन में काम आती हैं और ये डिलीवर करती हैं न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू द अदर सेल टाइप. मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारे रीजनरेशन में भी काम आ रही. क्वेश्चन आता है कि विच सेल ऑफ द पॉलीफेरेंस आर यूज्ड टू रीजनरेट द बॉडी पार्ट्स ऑफ द स्पॉन्जेस. तो तुम्हारी अमीबोसाइट होती है विच बेसिकली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजनरेशन. तो अमीबोसाइट का याद रखना है, तुम्हारा न्यूट्रेंट भी प्रोवाइड करी सेल्स को और डिफरेंशिएट करते हैं इनटू अदर सेल टाइप. तो ये अमीबोसाइट को यहाँ पे याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ अदर स्क्लेरोसाइट भी होती हैं जो सिलिका जो स्पिक्यूल होते हैं वो यहाँ पे रहेंगे. ऑब्वियसली जो सिलिका स्पिक्यूल तुम्हारे बीच में से बनेंगे और एक्टर जो बाहर तुम्हारे वहाँ से पॉइंट आउट करेंगे तो ये तुम्हारे डिफेंस के लिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि डिफेंस भी इम्पोर्टेंट है. हो सकता है कोई इनको खाने लग जाए तो इसके लिए इनके पास स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं. कोएनोसाइट जो होती है तुम्हारे इनर वॉल में पाई जाएंगी. कोनोसाइट क्या होती हैं, जनरेट द वाटर करेंट एंड फिल्टर द फूड पार्टिकल फ्रॉम द फूड. जैसे मतलब क्या हुआ, पानी आया ठीक है, यहाँ पे ऑस्टिया ने क्या लिया, बहुत सारा पानी ले लिया, बहुत सारा पानी ले लिया. अब उसमें कुछ ही खाना होगा, कुछ ही खाना होगा, बाकी तुम्हारी डेब्रिस हो सकती है, तुम्हारा कोई खतरनाक वो हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो ये कोएनोसाइट क्या करती हैं, पहले फिल्टर करती हैं, फिल्टर करती हैं कि पानी को क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए. फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद फिल्टर फूड पार्टिकल्स को वो तुम्हारा निकाल लेंगे, फूड पार्टिकल्स को ले लेंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब करा देंगे और जो भी तुम्हारी जो ये जो तुम्हारी क्या बोलते हैं पिनेकोसाइट होती है वो फेगोसाइटोसिस उसकी प्रॉपरली कर लेती हैं. तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी सेल्स जितनी भी हैं तुम्हें पता होनी चाहिए. अब क्या होता है, तुम्हारा वाटर यहाँ से एंट्री मारेगा ऑस्टिया के थ्रू. देखो मान ली तुम्हारी वाटर ने एंट्री किसके थ्रू मान ली है, ऑस्टिया से मान ली है. अब यहाँ पे जो कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी बोलते हैं. वाटर यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो वाटर करेगा वो करेगा मूव आउट, बाहर चला जाएगा थ्रू द ऑस्किलम, ऑस्किलम के थ्रू यहाँ पे आउट हो जाएगा. तो ये याद रखना है. तो तुम्हारा जो ऑस्टिया है यहाँ से वाटर की एंट्री हो रही है और ऑस्किलम जो है वहाँ से वाटर का आउट हो रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है. ये तुम्हारे बहुत टाइप के तुम्हारे क्या बोलते हैं तुम्हारे कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है जो तुम्हारे स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं. एक बार हम इनको समझ लेते हैं. ए होता है एस्कॉन टाइप, ये होता है तुम्हारा साइकॉन टाइप और ये होता है तुम्हारा लीकॉन टाइप. ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं बात करती हूँ, हाँ देखो अगर मैं बात करती हूँ वाटर कैनाल सिस्टम की, जो एस्कॉन टाइप वाला होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है, उसमें कुछ भी इसमें एरा फेरी नहीं है, कुछ भी उसमें पागलपन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा बच्चा है, आराम से जी रहा है अपनी लाइफ को, कोई भी उसको टेंशन नहीं है. सो जो एस्कॉन टाइप वाला होता है दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द केनाल सिस्टम एंड इज फाउंड इन द ल्यूकोसेलेनिया. तो ये तुम्हारे ल्यूकोसेलेना में पाया जाता है जो एस्कॉन टाइप का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है. इसमें होता क्या है, तुम्हारा बहुत सिंपल सा टाइप का है, ये तुम्हारे ऑस्टिया हो गए,
इन ऑस्टिया के थ्रू वाटर यहाँ पे मूव करता है और स्पॉन्जो सील कैविटी में तुम्हारा वाटर जो है आ जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ पे जितने भी तुम्हारी सेल्स हैं वो सारे का सारा खाना को एब्जॉर्ब कर लेंगी। नॉर्मली जो कोएनोसाइट्स होती हैं यहाँ पे खाने को तुम्हारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो जो वाटर होता है उसको बाहर ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ पे फिर आउट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल टाइप का है ये, तुम्हारे एस्कॉन में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी एस्कॉन टाइप का होता है, और ये जो तुम्हारा पाया जाता है वो ल्यूकोसोलेनिया में पाया जाता है। और यहीं से याद रखो, अभी बताया था कि ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा होता है लार्वा, कौन सा होता है जो पेरन काइमुला होता है, वो तुम्हारा किसका लार्वा होता है, ल्यूकोसोलेनिया का लार्वा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। सेकेंड आते हैं हम साइकन टाइप पे, ठीक है। साइकन टाइप की अगर मैं बात करूँगी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, तुम्हारी इनकरेंट इनकरेंट कैनाल्स आ जाती हैं, रेडियल कैनाल्स आ जाती हैं, तुम्हारा एपोपाइल आ जाता है यहाँ पे, तो प्रोसोपाइल आ जाता है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत जो हो जाता है चीज़ें यहाँ पे मुश्किल हो जाती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। सो दिस टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोनोइड स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल लाइक साइकन से याद रखो स्काइफा, वो तो तुम्हारा ऐसा एग्जाम्पल है, और ग्रेंशिया याद रखना है कि यहाँ पे साइकन या फिर तुम्हारा जो स्काइफा जो होता है इसमें साइकन टाइप का पाया जाता है। देखो इसमें क्या होता है तुम्हारा पहले, हाँ तुम्हारा क्या होता है, पहले तुम्हारा वाटर जो है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू मूव करता है, ऑस्टिया के थ्रू मूव करता है। मूव करने के बाद में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे प्रोसोपाइल प्रेजेंट होते हैं। प्रोसोपाइल क्या करते हैं, तुम्हारे इस तुम्हारे इनकरेंट कैनाल्स में उसको पानी को लेके आएंगे। पानी को लेके आने के बाद में तुम्हारा जो पानी होगा यहाँ पे रेडियल कैनाल इधर इधर आ जाएगा। रेडियल कैनाल में आने के बाद में जो पानी होता है एपोपाइल के थ्रू, यहाँ पे जो होता है एपोपाइल होता है, और एपोपाइल के थ्रू आएगा स्पॉन्जो सील में, और स्पॉन्जो सील में आने के बाद में तुम्हारा ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो होता है थोड़ा टिपिकल हो जाता है, कुछ इनकरेंट कैनाल भी आ रही हैं यहाँ पे, तुम्हारी रेडियल कैनाल भी यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, प्रोसोपाइल भी यूज़ हो रहा है यहाँ पे, एपोपाइल भी यूज़ हो रहा है। जब ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं तब तुम्हारा बेसिकली बोला जाता है कि तुम्हारा कौन सा है, तुम्हारा साइकिन टाइप का पाया जाएगा, जो तुम्हारे स्काइफा में पाया जाता है या फिर साइकिन में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोन टाइप पे, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो स्पॉन्जो सील जो कैविटी थी वो भी बेचारी यहाँ पे नहीं दिखती है। स्पॉन्जो सील के थ्रू तुम्हारा वाटर का मूवमेंट नहीं होता है, तुम्हें कहीं दिखेगी नहीं स्पॉन्जो सील कहाँ है। यहाँ पे क्या आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़, अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है, सब कुछ वैसा ही होता है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, तो यहाँ पे जो आते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स आ जाते हैं, तो वो याद रखना है कि जो मूवमेंट है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के थ्रू होता है, और यहाँ पे स्पॉन्जो सील के थ्रू यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता है। डायरेक्टली जो चीज़ें हैं एक्सकरेंट कैनाल में आएंगी, यहाँ पे आएंगी, और यहाँ से आने के बाद सीधा का सीधा बाहर मूव कर जाएंगी। कोई भी स्पेसिफिक सेल तुम्हारी नहीं मिलेगी स्पॉन्जो सील की। एक सेकेंड, मैं इसको एक बार इंक को रिलीज करके, यस, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्सकरेंट कैनाल हो गया, यहाँ सेम उसी की तरह आने वाला है जैसे इनकरेंट कैनाल में आएगा। इनकरेंट कैनाल में आने के बाद तुम्हारे यहाँ पे पहुँच जाएगा, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जब आएगा ये तुम्हारे एक्सकरेंट कैनाल्स में आएगा, उसके बाद कोई भी यहाँ पे स्पॉन्जो सील प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, सीधा का सीधा ऑस्कुलम के थ्रू जो पानी होगा वो यहाँ से निकल जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा ल्यूकोन टाइप। तुम्हें सब डिफरेंस क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, वो याद रखो, तुम्हें याद रखना है जो एस्कॉन होगा वो सिंपल होगा, और स्पॉन्जो सील इसमें जो प्रेजेंट होगी। साइकन का याद रखना है, यहाँ पे तुम्हारी इनकरेंट कैनाल यूज हो रही है, एक्सकरेंट कैनाल यूज हो रही है, सॉरी रेडियल कैनाल यूज हो रही है यहाँ पे, और तुम्हारा क्या यूज हो रहा है, प्रोसोपाइल और एपोपाइल, और तुम्हारी स्पॉन्जो सील भी तुम्हारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ल्यूकोन में याद रखना है ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर और एक्सकरेंट कैनाल याद रखनी है, जो तुम्हारी दो नई चीज़ें हैं। अगर ल्यूकोन टाइप की बात करूंगी तो इसमें ये दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो इन दिस केस द रेडियल कैनाल्स गेट डिवाइडेड इंटू अ स्मॉल राउंडेड और ओवल फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वॉल। तो क्या होता है, जो तुम्हारी रेडियल कैनाल्स किसमें प्रेजेंट थी, जो साइकन वाले में प्रेजेंट थी, यहाँ पे डिवाइडेड हो जाती हैं एंड दिल फॉर्म अ फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं वो ल्यूकोन टाइप में ही मिलते हैं, मतलब क्या हुआ, फोल्डिंग तुम्हारी होती जा रही है।
अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे कोई फोल्डिंग नहीं थी, सिंपल सीधा था, फोल्डिंग नहीं थी। फिर थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग स्टार्ट हुई, थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद इतनी फोल्डिंग हो गई, इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो गई तुम्हारी, तो फोल्डिंग के साथ साथ चीज़ें जो हो गई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होती गई। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस विच बी कॉल्ड स्पॉन्जिला। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है स्पॉन्जिला क्या होता है। देखो जितने भी तुम्हारे मैंने अभी स्पॉन्जेस बताए सारे के सारे तुम्हारे मरीन वाटर के थे। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है, उसका नाम है स्पॉन्जिला, इसे बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज होता है, ल्यूकन वाला जो होता है ये तुम्हारा ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रेश वाटर वाला जो है इसने ये वाला जो इतना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा वाटर कैनाल सिस्टम है ये फॉर्मेशन कर रखी है। फंक्शन हज़ार बार पूछा जाता है कि वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है। इनके पास अब कुछ ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन तो है नहीं जो तुम्हारा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर देगा, इनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर देगा, इनका एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर देगा, या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प कर देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इनका जो फंक्शन होता है बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम ही बेचारा अकेला अकेला ही तुम्हारा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम करेगा, क्योंकि पानी आएगा, पानी आएगा तो फूड आएगा, फूड आएगा तो कोएनोसाइट उसको पकड़ लेंगी और उसको खा लेंगी। रेस्पिरेशन का भी यही काम करेगा, वाटर से ऑक्सीजन आएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा सीधा सीधा। एक्सक्रीशन भी बॉडी वॉल के थ्रू ही होता है, बॉडी वॉल डिफ्यूजन के थ्रू सब चीज़ें निकालती रहती है, पानी के थ्रू रिमूव करती रहती है। एंड रिप्रोडक्शन भी इनका ऐसे ही हो जाता है, बेचारे के पास कुछ भी ऐसा कोई स्पेशल चीज़ें नहीं है, सारा का सारा जो है वाटर कैनाल सिस्टम जो है इसमें हेल्प कर रहा है इनकी। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम याद रखना है तुम्हें कि ये क्या होते हैं, इनके कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स में पता होने चाहिए क्या होता है। जब हम यू प्लेक्टेला की बात करते हैं तो ये होता है तुम्हारा वीनस फ्लावर बास्केट। तो बेसिकली क्या होता है, यू प्लेक्टेला एक ऐसा फ्लावर माना जाता है, एक वीनस फ्लावर बास्केट है जहाँ पे तुम्हारा नॉर्मली लोग आपस में गिफ्ट देते हैं इसको। तो यू प्लेक्टेला क्या है, एक स्पॉन्जेस है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हाइलोनीमा क्या है, तुम्हारा ग्लास रोप स्पॉन्ज है, ग्लास रोप स्पॉन्ज बोला जाता है हाइलोनीमा को। क्लायोना मतलब होता है तुम्हारा बोरिंग स्पॉन्ज, बोरिंग स्पॉन्ज बोला जाता है क्लायोना को, या फिर कैलिना बोलो या फिर चेलिना बोल दो, ये तुम्हारा होता है डेड मैंस फिंगर। डेड मैंस फिंगर जो होता है चेलिना होता है। यू स्पॉन्ज जो है तुम्हारा बाथ स्पंज है, वेरी इंपॉर्टेंट बाथ स्पंज है। और स्पॉन्जिला जो है तुम्हारा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो इसको भी तुम्हें ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। क्लायोना बोरिंग स्पॉन्ज हो गया, ग्लास रोप स्पॉन्ज हाइलोनीमा हो गया, वीनस फ्लावर बास्केट जो तुम्हारा यू प्लेक्टेला हो गया, ये चीज़ें याद रखनी है। और आई थिंक आज के लिए इनफ है इतना, और इसमें कुछ भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी रह गई हैं तो मैं एक बार तुम्हें सारी वो चीज़ें और भी समझा दूंगी। और उसके साथ साथ नेक्स्ट जब क्लास होगी, नेक्स्ट संडे की जब क्लास होगी, तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे ये वाले इसके, क्योंकि मैंने हॉर्मोन्स वाले क्वेश्चन तुम्हें एक साथ डाले तो वो बच्चों ने देखी नहीं, आई थिंक उसके साथ कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगी तुम्हें, उसके बाद तुम्हारा फिर नेक्स्ट जो फाइलम है उसको स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं, एक तुम्हारी 10:30 बजे होती है सुबह और एक होती है 4 बजे। तुम्हारा जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है यू नो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, तुम लोग को काफ़ी कुछ यू नो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस मिल रही हैं, अनअकैडमी भी तुम्हें इतना कुछ फ्री फ्री पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी अराइव हो गई हैं तुम्हारे लिए, पहले उस टाइम पर नहीं थी जब हम पढ़ते थे। तो हाँ, मतलब मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ, ज़्यादा पुरानी भी नहीं हूँ, बट स्टिल ये 1-2 साल का ही डिफरेंस आया है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारा चेंज आया है टेक्नोलॉजी में, तो तुम इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। यहाँ पे भी तुम्हारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो तुम्हारी फ्री वाली होती हैं, तो तुम उनको ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, मैं क्वेश्चंस कराती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चंस ये होता है कि एक बार चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ वहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, तो एक बार क्वेश्चंस करते हैं तो पता चल जाता है कि वो कहाँ पे भी लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर तुम्हारा पूल होता है, वहाँ पे तुम आंसर दे पाते हो, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होता है। तो आपको अगर अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको कुमकुम गौतम वहाँ पे सर्च करना है, पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है बेसिकली, ठीक है।
प्ले स्टोर पे जाओगे, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करोगे, कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जैसे ही मेरी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो मैं नॉर्मली तुम्हें बता देती हूँ कि हाँ आज मेरी क्लास है, 6 बजे क्लास है, 8 बजे क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो देखो बेटा, ये जो प्लस क्लासेस होती हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर जैसे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको प्रॉपर पढ़ाया जाएगा, आपको कोर्स नोट्स दिए जाएंगे, आपको पूरा ध्यान दिया जाएगा सब चीज़ के लिए। तो ये प्लस क्लासेस के तुम्हारे फायदे होते हैं, आपको रेगुलर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाता है पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे आपकी क्लास खत्म होगी आपके पास नोट्स जो होंगे वो आ जाएंगे। उसके साथ साथ आपको जो मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको यहाँ पे क्विजेस कराए जाते हैं कि आप जिसकी वजह से आपका प्रैक्टिस हो जाए, और मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम देने जाते हो ऑनलाइन तो वहाँ पे पार्ट ए पता है तुम्हें, पार्ट बी पता है, पार्ट सी पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि टाइम कितना देना है उसको ना, तो वो ये जो टाइम का मैनेजमेंट है ना ये मॉक टेस्ट के थ्रू आता है। बिना मॉक टेस्ट के ये तुम्हारा कोई भी टाइम का मैनेजमेंट नहीं आता है। अगर तुम सीधे एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, आधे तुम वैसे ही नर्वस रहते हो कि तुम्हें आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर से वहाँ पे अभी तो ऑनलाइन हो गया तो ऐसे क्लिक क्लिक करने में भी ना बहुत टाइम चला जाता है। तो तुम्हें मैनेजमेंट आना चाहिए कि कैसे तुम्हें मैनेज करना है टाइम को, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं अपने कोर्स की बात करती हूँ तो मेरा एक क्रैश कोर्स रिलीज हुआ है लाइफ साइंस पे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो भी तुम्हारे सी एस आई यू जी सी नेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको लेकिन प्लस में आना पड़ता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसके लिए। सो आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और ध्यान रहे यहाँ पे गेट ESE ना लिखा हो, यहाँ पे सी एस आई यू जी सी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको प्लान चूज करना है। देखो अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारा JRF की, अगर JRF क्लियर हो जाता है और अगर तुम PhD में पहुँच भी जाते हो तो तुम्हारा आई थिंक इतना अमाउंट भी नहीं लगेगा, तुम्हें अबाउट 35,000 वहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद भी तुम अगर 10,000 अगर तुम यहाँ पे फीस में दे देते हो तो आई थिंक 10 दिन में तुम्हारा वो चीज़ वहाँ पे कवर हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है। अगर नॉर्मली तुम ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हो तो काफ़ी कुछ लगता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। जो प्लान है आप 1 मंथ का भी ले सकते हो, अगर आप नवंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 1 मंथ का ले लो, जिसकी वजह से आपका रिविजन हो जाएगा, रिविजन के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई बच्चा आगे के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मतलब उसे पता है कि मुझे आगे के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो 6 मंथ का ले सकता है या फिर 12 मंथ का ले सकता है। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, जिसके बाद जब भी उसकी मास्टर्स खत्म होने वाली होगी तब तक उसका JRF यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 12 मंथ्स का लेने से फ़ायदा क्या होगा, अबाउट 11,550 आपको पे करना होता है, 11,000 है, लेकिन उसके बाद भी आप एक यहाँ पे रेफ़िल कोड यूज़ कर सकते हैं। वो जो रेफ़िल कोड है आपको यूज़ करना है कुमकुम 10, ठीक है, कुमकुम 10 यूज़ करना है, KUM KUM 10 अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। जैसे आप कुमकुम 10 करेंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ ये मेरा कोड अप्लाई कर लिया है तो सिर्फ आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, नहीं, जितने भी अनअकैडमी पर CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आप सबकी क्लासेस ले पाते हैं। तो अगर आपको किसी भी टीचर की और भी क्लासेस लेनी है तो आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जैसे मैं कोई भी और यूनिट करा रही हूँ, कोई टीचर और कोई यूनिट करा रहा है, तो आप बहुत सारी क्लासेस ले सकते हैं, बहुत एक टाइम पे बहुत सारी यूनिट भी आप कवर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको पेमेंट मेथड चूज करना पड़ेगा, अबाउट 10,396 आपको पे करना होता है, ठीक है, इतना आपको अमाउंट पे करना होता है। आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, EMI के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन भी है, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जैसे आपने 866 रुपीज़ पर मंथ पड़ जाएगा शायद आपको, तो ऐसा कुछ पड़ जाएगा, तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। तो अगर आपको प्लस पे ज्वाइन करके अगर आगे के लिए प्रिपेयर करना है तो आई थिंक बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, और मैं यूनिट करा रही हूँ उनके साथ साथ तुम और भी कोई यूनिट कर पाओगे तो काफ़ी कुछ वहाँ से कवर हो जाता है तुम्हारा, काफ़ी कुछ क्या सारा तुम्हारा कवर हो जाता है। UPI के थ्रू तो पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट या नेट बैंकिंग के थ्रू, आप कैसे भी पेमेंट जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, ठीक है, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना है, CSI UGC नेट को सर्च करना है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है।
और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं ना, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ जो मेरा कोर्स है क्रैश कोर्स, अगर ज्वाइन करना चाहते हो 1 महीने के लिए तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइव क्लास मिलेंगी, नहीं, आप जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव क्लासेस मिलती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में जो मैं क्वेश्चंस करा दूंगी तुम्हें, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं तुम्हें नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एनिमल क्लासिफिकेशन का वो भी वहाँ से कवर करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।